तो पर अमल ना के बराबर ही किया है। इतना ही नहीं बल्कि अपनी जातिवादी वे संकीर्ण मानसिकता के तहत चलकर इन्होंने यहाँ खासकर दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की है तथा मुसलमानों के विकास व उत्थान की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, बल्कि द्वेष की भावना के तहत इनको अधिकांश फर्जी मामलों में फंसा के इन्हें उजाड़ने एवं तबाह व बर्बाद आदि करने का ही पूरा पूरा प्रयास किया है। और आप लोगों को मालूम है जब बीजेपी की चुनावी जनसभाएं होती हैं उनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो क्या बोलते हैं, हमने कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए हमने इतने मुसलमानों के खिलाफ हमने कार्रवाई की, लेकिन कभी उनको जो गैर मुस्लिम माफिया हैं वो उनको नज़र नहीं आते। नेपाल के बॉर्डर पर देवी पाठन में भरे पड़े हैं माफिया, क्या उनको नज़र नहीं आते, उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन उनको कौन नज़र आते हैं, केवल मुस्लिम समाज के लोग, वीकर सेक्शन के लोग, ये इनको नज़र आते हैं, ये इनको अपराधी नज़र आते हैं। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए यदि अपराध किसी एक व्यक्ति ने किया है उसकी सजा पूरे समाज को नहीं देंगे, यदि एक व्यक्ति खराब है आप पूरे मुस्लिम समाज को शक की नज़र से देखेंगे।